आज का जो हमारा प्लान है 20x40 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है जिसमें कि हमने 2 BHK प्लान किया था। सो चलते हैं प्लान की तरफ, हम देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है। फर्स्ट हमारी इसकी जो विड्थ है वो 20 फीट की होगी एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 40 फीट की होगी। फर्स्ट हमने यहाँ फ्रंट में एक मेन डोर प्रोवाइड किया है। मेन डोर से हम एंटर करेंगे हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। इस ड्राइंग रूम का जो हमारा साइज होगा वो 9 ft 6 in by 12 ft का होगा। जिसमें कि हमारा 9 ft 6 in इसकी विड्थ होगी एंड 12 ft हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ ड्राइंग रूम के ही राइट साइड में हमने एक फर्स्ट बेडरूम प्रोवाइड किया है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 9 ft by 12 ft का होगा। जिसमें कि हमारा 9 ft इसकी विड्थ होगी एंड 12 ft हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ डोर से हम एंटर करेंगे हमारे डाइनिंग एरिया के अंदर। इस पोर्शन में हमने डाइनिंग एरिया प्रोवाइड किया है। इस डाइनिंग का जो हमारा साइज होगा वो 7 ft by 7 ft का होगा। जिसमें कि हमारा 7 ft इसकी विड्थ होगी एंड सेम 7 ft हमारी इसकी लेंथ होगी। यहाँ डाइनिंग के फ्रंट में हमने स्टेयर्स का एरिया प्रोवाइड किया है। यहाँ से हमारी स्टेयर जो है फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। हमारी स्टेयर्स की जो विड्थ होगी वो 3 ft वाइड होगी। 3 ft वाइड हमारी ये स्टेयर्स होंगी। देन इस पोर्शन में हमने किचन का एरिया प्रोवाइड किया है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे किचन एरिया के अंदर। इस किचन का जो हमारा साइज होगा वो 9 ft by 8 ft का होगा। जिसमें कि हमारा 9 ft इसकी विड्थ होगी एंड 8 ft हमारी इसकी लेंथ होगी। देन किचन से ही अटैच हमने एक स्टोर एरिया प्रोवाइड किया है। इसको आप एज अ वॉश एरिया भी यूज कर सकते हैं। इसका जो हमारा साइज होगा 6 ft 6 in by 8 ft का होगा। जिसमें कि हमारा 6 ft 6 in इसकी विड्थ होगी एंड 8 ft हमारी इसकी लेंथ होगी। यहाँ बैक साइड में हमने एक OTS प्रोवाइड किया है जो कि हमारा 2 ft वाइड होगा। देन इस पोर्शन में हमने कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे कॉमन टॉयलेट बाथ के अंदर। इसका जो हमारा साइज होगा वो 4 ft by 6 ft का होगा। जिसमें कि हमारा 4 ft इसकी विड्थ होगी एंड 6 ft हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से एंटर करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम के अंदर। सेकेंड बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 10 ft by 12 ft का होगा। जिसमें कि हमारा 10 ft इसकी विड्थ होगी एंड 12 ft हमारी इसकी लेंथ होगी। इस बेडरूम से अटैच हमने एक WC एंड बाथ प्रोवाइड किया है। इसका जो हमारा साइज होगा वो 6 ft 6 in by 3 ft 6 in का होगा। जिसमें कि हमारा 6 ft 6 in की विड्थ होगी एंड 3 ft 6 in हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जितने भी डोर्स प्रोवाइड किए, जितने भी डोर्स को हमने D2 से डिनोट किया है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 3 ft इसकी विड्थ होगी एंड 7 ft इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को हमने D3 से डिनोट किया है, इसका जो हमारा साइज होगा 2 ft 6 in की विड्थ होगी एंड 6 ft इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज प्रोवाइड किए, जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 4 ft इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 ft इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने V से डिनोट किया है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 2 ft इसकी विड्थ होगी एंड सेम 2 ft इसकी हाइट होगी। इस प्लान का हमारा जो ओवरऑल एरिया होगा वो 800 स्क्वायर फीट का होगा एंड हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 lakhs के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का प्लान, जो कि 20x40 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था जिसमें कि हमने 2 BHK प्लान किया था।